दोस्तों, लाखों साल पहले जहां आज रेगिस्तान है, वहां समुन्दर और महासागर हुआ करते थे। क्या होगा अगर इस सारी रेत का पानी बन जाए तो? यानी यह रेगिस्तान फिर से पानी से भर जाए तो? अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी पर जो जीवन है वह पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ, रेत के बजाय पानी। जहाँ जिस जगह पर आज बड़े बड़े रेत से बने रेगिस्तान है, उस जगह पर पानी। दोस्तों, यदि एक मजबूत और पर्याप्त वायु का प्रवाह रेगिस्तान की रेत को नीचे से ऊपर उठाता है, तो ये रेत जो है एक तरल की तरह, एक लिक्विड की तरह कार्य कर सकती है। हवा रेत के कणों के बीच का घर्षण कम कर सकती है, जिससे अधिक जगह बनती है और रेत के कण स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि वह एक तरल है, जैसे कि वह एक लिक्विड है। यह तभी हो सकता है जब एक विशालकाय वेंट यानी ऐसी जगह पृथ्वी पे पड़ जाए जहाँ से हवा का मजबूत और पर्याप्त वायु का प्रवाह जमीन के नीचे से रेगिस्तान की ओर बहना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सारी रेगिस्तान की रेत पानी की तरह बन जाएंगी और बड़े बड़े रेगिस्तान धीरे धीरे पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। मिस्र की जमीन पर बने हुए पिरामिड नीचे डूब जाएंगे। रेत पर बने बड़े बड़े विशाल शहर गायब हो जाएंगे। ऊँटों का कारवा नीचे गिर जाएगा। इस बदलती दुनिया में वही जिंदा रहेगा जो तैरने में सक्षम है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर पानी ही पानी होगा। अगर ऐसा होता है तो सारे समुद्री बीच नष्ट हो जाएंगे। आप किसी बीच पे छुट्टी मना रहे होंगे तो पल भर में ही आप खुद को समुन्दर के बीच पाओगे। जी हाँ, आपका बीच समुन्दर में बदल गया होगा। अगर आप तैर कर समुन्दर के किनारे भी चले जाओ तो आप पाओगे कि हर जगह पानी ही पानी है। जीवन पूरी तरह से बदल गया है। रास्तों पे अब गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर रास्ते पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दुनिया के हजारों बीच पानी के नीचे आ गए हैं। जहाँ पृथ्वी पर पहले करीब 70% पानी था, वहाँ अब 90% पानी है। जी हाँ, इस धरती पर एक और महासागर फिर से बन गया है और अब धरती पर सारे लोगों ने जीना सीख लिया है। तैरना अभी सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। और जहाँ लोग अपने घरों से कार और बाइक लेकर निकलते थे, वहाँ आज लोग वाटर बोट और शिप लेकर निकल रहे हैं। जहाँ पहले कार चलती थी, वहाँ अब वाटर बोट चलने लगी है। सभी के लिए तैरना जैसे कि कंपलसरी हो गया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बदलती दुनिया में रेगिस्तान में रहने वाले जीव नष्ट हो गए हैं और वही कुछ बचे हैं जिन्होंने इस नए बदलाव को स्वीकार किया है। सहारा रेगिस्तान, जो कि करीब अमेरिका इतना बड़ा है, वो पानी में बदल गया है। रेगिस्तान की रेत में जो बड़े बड़े देश थे, वो छोटे छोटे आइलैंड बनके रह गए हैं। समुन्दर के किनारों पे सुनामी आ रही है। धरती के ज़्यादातर जगह पर अब बारिश हो रही है। बदलते टेम्परेचर के कारण कई जगह पर टोर्नेडो भी आ रहे हैं। धरती पर अब नए तालाब, नदियाँ और समुन्दर बन गए हैं। लोगों ने इस बदली हुई दुनिया में जीना सीख लिया है और वो अब पानी के ऊपर ही अपना घर बना रहे हैं। हर किसी के पास अब कार की जगह बोट है। बिना रेत के अब दुनिया में नया कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेत के बिना ये संभव नहीं है। और हमें कहीं भी आने जाने के लिए हवाई जहाज की जगह समुद्री जहाज ही लेना पड़ेगा।